फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पे फेसबुक पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जो है मेटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फेसबुक का भी यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, वो आपको पहले ही पता होगा। पर यहाँ पे आप सोचोगे यार, फेसबुक का हम अपने ओपन करें तो फेसबुक आ रहा है। फ्रेंड्स, फेसबुक का नाम चेंज नहीं है, उसका जो है कंपनी का नाम यहाँ पे चेंज हुआ है, मेटा। और आपको पता होगा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा ऑलरेडी हो चुका है। उससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा भी हो चुका है। मतलब जो मेटा कंपनी है उसने अपनी पूरी ब्रांडिंग जो है इन तीनों ऐप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कर दी है। आपको पता होगा जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है वो फेसबुक की पेरेंट्स कंपनियां हैं, पर अब जो है ये मेटा की, ये तीनों ऐप जो है मेटा की पेरेंट्स कंपनी हो चुकी है। और मेरे पिछले वाले जो वीडियो में आपने जो है इंस्टाग्राम पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, स्टोरी अपलोड नहीं हो रही है, वही चीज़ जो है व्हाट्सएप के साथ भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब से जो मेटा की ब्रांडिंग हुई है, मेटा ने इन तीनों ऐप पे अपनी ब्रांडिंग की है, आप कहीं भी जाओगे, किसी भी ऐप पे जाओगे, वहाँ पे आपको फ्रॉम मेटा जरूर दिखेगा। व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा, इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा या फिर फेसबुक फ्रॉम मेटा जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इन ऐप पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट ही होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 10,000 का जो माइलस्टोन है उसे कंप्लीट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पे फेसबुक का जो है एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले नाम चेंज हो चुका था, जो कंपनी का नाम है मेटा हो चुका था। मेटा ऑलरेडी एक कंपनी है, तो उन्होंने यहाँ पे मेटा से कर दिया है फेसबुक का नाम। तो आप सोचोगे यार, फेसबुक का तो नाम चेंज नहीं हुआ, फेसबुक का नाम नहीं चेंज होगा, कंपनी का नाम ऑलरेडी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इन तीनों जगहों पे फ्रॉम मेटा जरूर देखने को मिलेगा। जो ब्रांडिंग होती है वो मेटा की होगी। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ जो है सामने आ रही है कि जब से मेटा हुआ है वहाँ पे आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे, व्हाट्सअप पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, वहाँ कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम जरूर आ रही कि इस ऐप पे कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम। और खासकर जो है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इंस्टाग्राम के काफ़ी सारे जो फीचर आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। स्टोरी अगर आप वहाँ पे डालोगे तो वहाँ पे ऑप्शन मिसिंग हो रहे हैं, या फिर अगर आप देखोगे कि दिवाली के एक दिन पहले भी जो इंस्टाग्राम था उसका सर्वर डाउन हो चुका था। यही चीज़ जो है फेसबुक व्हाट्सअप के साथ भी हो रही है। अगर आप वहाँ पे व्हाट्सअप पे जाओगे तो वहाँ पे भी प्रॉपर जो है व्हाट्सअप वर्क नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई जब से इन तीनों ऐप पे मेटा की ब्रांडिंग हुई है तो ये जो है प्रॉपर काम करना बंद कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि अभी 15 से 20 दिन पहले इन तीनों सर्वर का जो है वहाँ पे डाउन हो चुका था, सर्वर डाउन हो चुका। उसके बाद जो है उसके एक हफ्ते बाद ही फेसबुक का जो है नेम चेंज हो गया था, कंपनी का मेटा हो चुका था। पर यहाँ पे जो है कभी ना कभी इन ऐप, ये जो तीनों ऐप हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका सर्वर डाउन जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इन तीनों की जो पेरेंट्स कंपनियां वो एक ही हैं, तो एक ही उससे इनको ऑपरेट किया जाता है, तो मेन दिक्कत ये है। और बीच में जो व्हाट्सएप के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी, अगर आपका व्हाट्सएप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो व्हाट्सएप ने करीबन 20 लाख जो यूजर है उनके अकाउंट जो है या फिर उनके फ़ोन में से व्हाट्सएप प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो OS सिस्टम है वो पुराना है। तो एक तो दिक्कत ये हो रही थी, व्हाट्सएप ने जो है पुराने यूजर जो है पुराने यूजर नहीं पुराने OS या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में जो चल रहे थे उनको बंद कर दिया था। तो एक दिक्कत ये, उनका ऑलरेडी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था व्हाट्सअप। अब वही चीज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे भी आओगे तो इंस्टाग्राम पे भी वही एक प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर आपका जो फ़ोन है वो पुराने OS पे चल रहा है, एंड्रॉयड पे चल रहा है, तो उन पे भी ये दिक्कत सामने आ रही है। उसके बाद अगर आप अगर एक बार इनको अब वो एक बार इनको अपडेट कर ले तो इन ऐप को, तो शायद उसके बाद आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे ये कन्फर्म है कि इनका जो है जो सर्वर होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इनका वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बग या फिर कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं जिनकी वजह से ये ऐप पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत अभी देखने को ज़रूर मिलेगी। और ये हर किसी यूजर के साथ नहीं है, ये बहुत सारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका इंस्टाग्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, व्हाट्सअप पे प्रॉपर जो है फीचर नहीं दिख रहे हैं, या फिर फेसबुक पे अगर आप जाओगे तो आपको इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। तो ये अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जब से मेटा हुआ है, मेटा ने ये तीनों कंपनी लिया है अपने अंडर में तो इससे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये तीनों के जो सर्वर हैं कभी डाउन हो जाते हैं, कभी इनके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें होती है, अगर आप इनके साथ ही नहीं और भी ऐप है उनके साथ भी होती है।
पर जैसे भी अपडेट आता है इनका, तो आपके लिए जो है मैं वीडियो सबसे पहले लेके आऊँगा इस। फ्रेंड्स, तो आपके बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, फिर या फिर फेसबुक के साथ प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सअप के साथ प्रॉब्लम हो रही है। जो भी आपके कमेंट्स हैं उन्हें मैं रीड करता हूँ और उनके ऊपर जितनी जल्दी हो सके वीडियो लेके आता हूँ। तो ऐसी वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट, यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट, जितने भी अपडेट हैं सब इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो जल्दी से जो है चैनल सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले मिल सके।